यूपी के 800 गांव में 20 लाख से अधिक लोग बाढ़ और बारिश के पानी से परेशान हैं। यूपी के स्कूलों में बच्चे नावों से जाना आना कर रहे हैं। इसे देखिए, ये योगी जी के हुकूमत का स्मार्ट सिटी का रोड है जो कि थोड़ा सा बारिश में डूब चुके हैं। जो भी गाड़ी वगैरह इस रास्ते से जा रहे हैं वो डूबे डूबे जा रहे हैं। ये योगी जी का स्मार्ट सिटी का रोड है ना जनाब। और दोस्तों, यूपी के शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज जो है ना, उसके अंदर भी पानी घुस चुके हैं। कहां पर? मेडिकल कॉलेज, उसके अंदर भी पानी घुस चुके हैं। ये छोटा मोटा बात नहीं है जनाब। जहां पर स्टूडेंटों को पढ़ाया जाता है वहां पर भी पानी घुस गए हैं। तो किस तरह का विकास किए हैं जनाब, बताइए। मेडिकल कॉलेज के अंदर में पानी घुस जाएगा? तो यूपी में नाले वगैरह का इंतजाम किस तरह का किया गया है जनाब, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, तेज बारिश के कारण नेपाल और यूपी के बॉर्डर के इलाके में 7 जिलों में 20 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित है। और बताया जा रहा है कि इसी तेज बारिश के कारण बाढ़ में 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दोस्तों, इससे पहले भी आपको इस क्लिप को हम दिखा चुके हैं, जरा सा फिर देखिए। देख लिए ना, बारिश के पानी में एम्बुलेंस भी डूब रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पर देखिए, बच्चा डुबकी लगा रहे हैं गंदे पानी में। स्मार्ट सिटी का रोड है जनाब, इस गंदे पानी में बच्चा डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात यह है कि यूपी में अगर नाली वगैरह का इंतजाम किया गया है तो ये पानी जल्दी से क्यों नहीं निकल रहे हैं? बच्चे इस गंदे पानी में क्यों डुबकी लगा रहे हैं, बताइए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे ना तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।